ताजी देते हैं ना, ऐसे तबीयत खराब में भी बेचारे जाके काम करते हैं, वही पैसा आपको देते हैं। खैर ये सब अलग बात है। इसलिए पिताजी जो है ना, बाप इज बाप, हाँ बाप इज बाप। देखिए एक जी क्वेश्चन है, आज हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। अभी तक तो डाइस पढ़ रहे थे, कटिंग वाला, ऐसे भी कोई है जो कटिंग वाला में नहीं आए थे या ऐसे नहीं आए थे? ठीक है, अब एनो बकलोल लोग को तो बताना पड़ेगा ना, क्या कि फार्मूला तो पता ही नहीं होगा, एन माइनस वन का स्क्वायर वगैरह। मान लिया भूल गए, मान लिया आप ही लोग का फोन तो ना आया, गड़बड़ा गए, लड़ाई झगड़ा हुआ गड़बड़ा के कि हमको भूल गए। आप भूल गए तो एक बात बताइएगा, ध्यान देना जरा सा। ये डाइस दिख रहा है सबको? ठीक है, इसको काट दे रहे हैं हम। काट दिए, मालूम कितनों सेंटीमीटर का रहे, एक दो तीन है तो तीन ही सेंटीमीटर मान के चलिए, एक एक सेंटीमीटर में काट दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसको हरा रंग में डुबा दिए थे, डुबा करके निकाले, उसके बाद कट कर रहे हैं इसको। बात समझ में आ गया? अब यहां ध्यान देना थोड़ा सा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एन कितना है? कटाव की संख्या एन कहलाती है, यही एन है, तो एन बराबर दो। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ऑनलाइन में भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए हमको बोलेगा कि रंगहीन सतह कितना निकलेगा? n माइनस वन का होल क्यूब, तो दो में से एक गया, तो एक का होल क्यूब करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, एक रंगहीन, इंटू सिक्स, तो दो में से गया एक, और छ कम छ होगा। बात समझ में आ गया? चलिए, दो रंगीन, एन माइनस वन इंटू ट्वेल्व निकाले, दो में से गया एक, बारह कम बारह, कोई दिक्कत? और कुछ निकालते हैं, तीन रंगीन। तो इस कितना भी कलर करके दे दे, दो सतह काला, दो सतह नीला, जो करके दे दे, लेकिन फार्मूला तो यही यूज करते हैं। मान लो फार्मूला भूल गए, तो आंख दिया है भगवान, अब बोलेगा हमको एक सतह रंगीन, तो एक सतह आप यहां देख रहे हैं इसी पे ना एक होगा, इसका मतलब हर सतह पे मिलेगा, और इस बार ऐसा जो कटिंग किए हैं तो इसमें तो एक को ना मिल रहा है एक सतह रंगीन वाला, तो ये कितना सतह पे होगा? छह सतह पे, तो छह डब्बा मिलेगा। फॉर्मूला हम भूल गए, लेकिन दिखाई तो दे रहा है कि बाबू छह को मिलेगा एक सतह रंगीन वाला। बात समझे कि नहीं? एक यहां मिलेगा, फिर बाद बाकी नीचे, बिना कोई फॉर्मूला से डायरेक्ट। अगर मान लो कह दिया कि एक डाइस को इतना में काटा गया है, डुबा दिया गया, निकाल दिया गया है, अब पूछा एक सतह रंगीन, तो आपको दिखना चाहिए कि एक सतह जो मेरा सतह पे निकलता, क्या वो कटिंग आया था? एक के गो आया, एक मारेंगे आंसर। अगला कह दिया हमको दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन को गौर से देखिए जरा, यहां होगा एक, यहां होगा, बस किनारा पे एक दो मिल रहा है, एक किनारा यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, तो चार, नीचे भी चार, और चार को यहां पल, अभी चार चार आठ चार बारह, बारह को दो किनारा वाला मिल गया, दो किनारा बारह मिला, बिना कोई फार्मूला लगाए। ये तो फार्मूला लगाए थे हम लोग, वहां फार्मूला नहीं, डायरेक्ट हम देख के निकालने के लिए कह रहे हैं। चाहे मान लो काला पीला भी कर देता तो भी आप देख के बना लीजिएगा, अगर फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं तो। अब बोला तीन सतह रंगीन, ये तो पता है हमको, यहां वाला में निकलेगा, यहां निकलेगा, ये तो आठ को निकालिए देंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा मास्टर आगे बढ़ना, रंगहीन कैसे निकालेगा, वो तो भीतर में दिखाइए नहीं देगा। बात समझ में आया? अब देखो टोटल एक दो तीन, इधर भी तीन, इधर भी तीन, तीन तिया नौ तिया, तो टोटल कितना? टोटल सत्ताईस, माइनस ये तीनों तो दिखाई दिया था,
तीनों घटा दीजिए, 12 8 20 छः कितना, 26 बचा कितना, 1। यही निकाले थे रंगहीन। बात को समझ में आया कि अगर फार्मूला हम नहीं यूज करते हैं तो हम देख के भी आंसर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फार्मूला भूल गए तो बस दिमाग लगाने लगे, हे भगवान अब क्या होगा, फार्मूला गए भूल। तो फार्मूला भूल जाए तो भी कटिंग को देखा जा सकता है, आप देख के उसको आंसर कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन दे बना लीजिएगा, इसको छाप लीजिए, जो इसको क्या छापिएगा, इसमें तो कोई बातें ना लिखे हैं जो छापिएगा। फिर भी आप ऐसा कर लीजिए, ये वाला बना लीजिए बॉक्स और यहाँ ऐसे कर लीजिए, बाद बाकी घर पे समझ जाइएगा उसको कर। वो आपके पीडीएफ में नहीं डाला हुआ है, ये आपको समझाने के लिए, इसलिए नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। हो गया, मिटा दें। अच्छा लिखो लिखो, कोई बात नहीं, ये आवाज हमको 3 4 दिन प्रॉब्लम करेगा। नहीं, पहले सर्दी हुआ, फिर बुखार हुआ, फिर छूट गया, फिर खांसी हुआ, फिर के बना के देगा रे। बचर लाइफ में कभी दूध हल्दी पिया है घोर के? माय देती है ये सब चीज, दूध हल्दी पिएगा गरम। देखो घर में आप लोग राजा रहते हैं, घर में इन्हें खाएंगे उन्हें खाएंगे इन्हें पिएंगे, यहाँ पे तो कुछ भी तरोर मरोर के खाते हैं। एक छोटा सा रूम में रहते हैं, घर पे आपका बंगला है, यहाँ एक जितना बड़ा बाथरूम होगा उतना बड़ा रूम में यहाँ पे आप रहते हैं। ऊपर से लोग यहाँ का बोलता है ना, हमारा मकान है। अरे कहाँ मकान है भैया, तुम ऐसा मकान ढेरी, हम 4 गो घुस जाएगा हमारे घर में, लेकिन क्या करिएगा जिंदगी है। हाँ, चलिए हो गया, बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़े, मिल जाएगा। रिसेंट कॉल किनका है? देखो उनके हाथ में जाए तो ठीक है, कभी गलती से मेरे हाथ में ना आवे, क्योंकि हम सिर्फ रात का कॉलिंग डिटेल खंगाल देंगे। रतिया में कहाँ कहाँ बात किए हैं आप? पढ़ाई करता है मतलब, पापा से कितनी देर बात किए हैं, मम्मी से कितनी देर। आप लोग निगेटिव मत सोचो कभी भी, निगेटिव का मतलब हर चीज का निगेटिव है पहले सोचना। चलिए क्वेश्चन है, देखो एगो फालतूआ क्वेश्चन सुनना, ठीक है। लिखा है, लिखिएगा क्वेश्चन को। एक घनाभ दिया है 4 × 3 × 3, ठीक है। शॉर्ट में लिखा रहे हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा। पहला लाइन में है, एक घनाभ है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 × 3 × 3 है। बात बुझ गए? चलिए अब उस क्वेश्चन का ध्यान सुनेगा। एक पार्ट इसका जो किया है उसको रंगा है, 4 × 3 को रंगा है वो गुलाबी रंग से, गुलाबी रंग से। सेकेंड पार्ट लीजिएगा, ये कह रहा है 4 × 3 को लिया है नीले रंग से, 4 × 3 को नीले रंग से, मतलब दो दो विपरीत जो है गुलाबी, दो विपरीत नीला, और 3 × 3 वाला जो है उसको लिया है ये नीले रंग, सॉरी नीला नहीं है, भूरे रंग से।
और कह रहा है घनाप को निश्चित तरीके से एक गुना एक में कट कर दिया। बात समझे? एक गुना एक में क्या किया? कट कर दिया। क्वेश्चन है कितने घनों, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। पहला है कितने घनों का कोई भी फलक रंगा हुआ नहीं है, मतलब रंगहीन। शॉर्ट में लिखा रहे बाबू, रंगहीन, आपको पूरा नहीं लिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है तीन फलक रंगे हुए हैं, तीन फलक रंगे हैं और इसको हरा रंग में डुबाने से, काटने से पहले हरा रंग में डाल दिया था, केवल एक फलक रंगा हुआ है। क्वेश्चन है एक सतह रंगा हुआ। बात समझ गए? चलिए अब इसको और बढ़िया से समझिएगा। इसका मतलब है ये जो आपको कलर किया है ये घन तो नहीं है, ये घनाभ हो गया। घनाभ में दो गुलाबी किया, गुलाबी गुलाबी, उसके बाद तीन तीन इधर भूरा भूरा, भूरा भूरा और नीला और नीला। ये बात समझ में आ गया होगा? पहले देख लो उसके बाद समझा देंगे, फिर लिखने का समय देंगे, आप परेशान नहीं होइएगा, इसलिए पहले सिर्फ देखिए। अब देखिए इसको किसमें कहा, एक एक सेंटीमीटर में, एक एक में काटने के लिए। तो एक में काटेंगे तो इधर चार है, इधर तीन है, इधर तीन है, क्योंकि चार तीन तीन का है ना, तो चार तीन तीन है, एक एक में काटना है। तो इधर से तो चार चार टुकड़ा निकलेगा, क्योंकि चार है, एक में काटना है। इसका मतलब एक दो तीन, ये समझ में आया? देखना नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। अरे हीरो इधर देखो, अरे अक्षय कुमार इन्हें देखो, यहां ये तीन है, ये तीन है, तो एक और दो ही कटिंग होगा, और ये भी तीन है तो दो ही कटिंग होगा। ये कटिंग समझ में आया? आप दिखाई देगा, चार तीन तीन को एक एक में कट कर दिए, कट कर दिए। एन का फॉर्मूला, कटाव की संख्या, इसमें कटाव किसको मानेंगे, तीन को मानेंगे कि दो को मानेंगे? क्योंकि इधर तीन काटे, इधर दो काटे, और जब पिछला क्वेश्चन बनाते थे तो सब जगह से तीन तीन कटता था, तब ना एन तीन होता था मेरा, तो इसमें वो काम नहीं करिएगा। इसमें जो क्वेश्चन बोला अब इसको यहां से बना दीजिए। कहा क्या? रंगहीन, इसको छोड़ दो, रंगहीन बात को पहले हटा दीजिए। पहले बताइए टोटल कितना घन निकलेगा? टोटल देखो, इधर चार तीन तीन, तो टोटल अगर हमको निकालना रहेगा, चार गुना तीन, चार तिया बारह तिया छत्तीस, आया समझ में? टोटल कोई दिक्कत नहीं। अब बोला तीन फलक रंगा हुआ, तो तीन फलक रंगा हुआ यहां वाला पे मिलेगा, ठीक है, यहां वाला भी मिलेगा, तो तीन फलक वाला आठ को मिलेगा, ठीक है, चले तो तीन फलक वाला आठ मिल गया हमको। एक सतह रंगा हुआ, एक सतह यहां देखो, गौर से देखना जरा, एक सतह यहां कितना, यहां दो मिल रहा है, और यहां एक, रुक जाए रुक जाए, एक और दो मिल रहा है यहां, तो देखो जरा, दो इधर है तो दो नीचे भी होगा, दो दो चार, पांच छ सात आठ, यहां नौ, इधर एक दस, तो एक सत्तर रंगा हुआ कितना, दस, और ये था आठ, रंगहीन बोला। टोटल है छत्तीस, टोटल कितना है छत्तीस, छत्तीस में हम दस और आठ तो घटा दिए, ठीक, रुक जाओ रुक जाओ, दो वाला नहीं निकालिएगा, दो निकालिएगा तब ना रंगहीन मिलेगा, तो दो वाला निकालने के लिए अब यहां से कर लो, ये दो मिलेगा, यहां दो मिले, किनारे पे दो, नीचे भी, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ तो मिल गया, यहां पे आइए, यहां आइए, तो इधर भी एक ना, तो देखो दो दो चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, इसका मतलब दो सतह रंगीन, दो सतह वाला कितना हो गया, बारह हो गया।
तो माइनस यहाँ पे 12, अब घटा दीजिए 12, 8, 20, अब 20, 10, 30, तो बचा कितना 6, 6 क्या हो गया, रंगहीन हो गया। आया समझ में, घन वाला जो था और घनाभ ये चीज, तो अगर घनाभ में n निकालने में समस्या है, समस्या नहीं है, फॉर्मूला है उसका भी, लेकिन इतना ना घचपचिया फॉर्मूला है ना, उससे अच्छा है कि हम इसको भरवली देख के बना लेंगे। और हमको मालूम है कि हम कोई भी मतलब घिजमी जाए और फॉर्मूला नहीं देते हैं, जो आप भूल जाइए, जब हमको नहीं याद रहेगा तो आपको कहां से याद रहेगा। आ? दो सतह यहां ए दो निकला, यहां दो निकला, एक मिनट, हो सकता है हमको दिक्कत हो गया होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तो क्लियर है। अब यहां से तो एक के को मिलेगा, यहां भी एक के को मिलेगा, 9, 10, अब यहां 11 और इधर एक 12, तो 12 को ना निकला। अच्छा ये वाला, अच्छा दो सतह भूलिए गए थे, यहां भी गिनिए हो, 1, 2 इधर और उधर, 1, 2, 3, 4, 12, 4, 16, एकदम बिल्कुल सही, 12, 4 कितना हो गया 16, मेरे ध्यान पे नहीं गया। अब इसको 16 करो, अब घटाओ कितना बचा, आए 2 बचा, 16 हुआ ना जी, 2 सतह रंगीन क्लियर है ना, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है 16। तो घनाभ वाला जितना क्वेश्चन आएगा वो नॉर्मली हम इस तरीके से बना सकते हैं। इसको पहले छाप लो, पहले नोट करो ना, इसको इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि घनाभ वाला क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं। अच्छा तुम लोग जीनियस ना है रे, इधर आ जाए, उधर नहीं दिखाई देगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, लक्ष्मी माता है। अच्छा ठीक है, अच्छा गणेश जी, विष्णु जी, अच्छा 9 सेंटीमीटर वाला बना लिए थे क्वेश्चन, कितने बार काटा जाता है, कितने प्रकार से काटा जाता है, बनाई थी हम तो आज डाइस खत्म ही कर देंगे, लेकिन अच्छा ये समझ गए तब सब बन जाएगा, वहां वाला तो बन ही जाएगा। और हाँ इसका जो टेस्ट लेंगे डाइस का, किस दिन लेंगे हम आपको नहीं बताएंगे, और उस टेस्ट में क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा अपडेट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और उसमें आपको ये नहीं देखना है कि आप कितना बना है, बना लीजिएगा पूरा, समय देखना कि तुम कितना देर में बना रहे, हालांकि समय देंगे ना तब तो आप लोग हड़बड़ा जाइएगा, लेकिन बनाने के लिए बोल देंगे तो बना लीजिएगा पूरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, समय देंगे 20 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे, 50 क्वेश्चन 20 मिनट में कुछ देगा रे, हम ना बना पाएंगे 50 क्वेश्चन, तू बना देगा, हालांकि कोई गारंटी नहीं, आप बना भी दीजिएगा क्योंकि गुरु नहीं बना सकता, हम तो एक ही, हम लोग क्या है जी, हम लोग तो ये बता दिए, प्रैक्टिस तो आप करते हैं, आप बना भी सकते हैं। हाँ ये है कि क्वेश्चन बनाने का बात करिएगा तो 20 मिनट में हम 500 क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन सही होगा कि नहीं हमको गारंटी नहीं, मारेंगे स्पीड में ABBCCDD। आप लोग पढ़ते हैं ना, हम बताएं जब हम पढ़ना शुरू किए तो सबसे पहले क्या सीखे थे मालूम है, सबसे पहले ना कि 1 मिनट में कितना गोला बना सकते हैं, यही गोले बनाने सीखे थे पहले, कि 1 मिनट में कितना गोला रंग सकते हैं एकदम पूरा फटाफट फटाफट फटाफट, तो वही तो गोला भरना ही नहीं पड़ता था पहले, तो वही होता था ना जी, दिमाग है तो, अरे काम है लेकिन है ना रे, हो गया इधर लिख ली, चलिए एक क्वेश्चन और दें अच्छा वाला। हाँ ये छाप लिए ना, ठीक है, इसका क्वेश्चन जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। रुक जाओ, किसको, अच्छा अरे भाई इतना देर लगा, कैसे मैट्रिक पास किया होगा तुम लोग, 3, 7, 1, 7, 8 क्या कर देंगे, 3 रंगहीन, 6 नहीं, यहां पे 2 कर दो
और कहाँ पे, वहां हो गया तो अंडरस्टूड है सब, और कहीं गलती है? ये आप क्वेश्चन देख लिए ना, अब पीडीएफ में देखिएगा समझ में आ जाएगा। ये हम लिखे हैं ऐसा, इसलिए पीडीएफ में देखना फोटो बना दिए हैं, 4-3-3 ऐसे फोटो बना हुआ है, समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए ऐसे कितने, ये कौन सा था कि एक ठोस घन के दो ये बना लिए थे, बताना पड़ेगा कितने, 3 सतरंगी भी है, कितने का जिनकी केवल 2 सतरंगी, 48, 48 कितने का आंसर है? अब 48 के अलावा कोई आंसर? अरे बाप रे, हाय एगो, एक एगो है, हाँ रुक जाए, ऑडियंस पोल पे जाना जरूरी होता है। और सबका मिल गया था? ठीक है, तुम क्वेश्चनों नहीं देखे, पक्का 96 आया है, कितने का? ठीक है नहीं भाई, हम देख रहे हैं, क्वेश्चन आपके पीडीएफ में नहीं है, नहीं मिला तो जिस दिन मिला होगा नहीं आए होंगे आप। अच्छा ठीक है ठीक है, पहले आंसर टिक आउट कर ले, 64 किसका, कितना का? ठीक है, अच्छा एक बार 64 कितने का आंसर है? अब वही हाथ गिराएगा, रे हाथ उठले रख, जे जे हाथ उठाए उठले रखना, अब वही हाथ गिराएगा जो एक्चुअल में बनाया, जो नहीं बनाया है सातो विद्यानाश, जो गिरा मतलब बनाया वही गिरा दो हाथ, जो नहीं बनाया हाथ उठे देखना रे कभी कभी देखना पड़ता है, साथ ही साथ सब हाथ उठा रहा, तब भी हाथ उठा दी, बड़ा तरीका है। चलिए 64 था, बत्तीस, तुम लोग 32 कितना का? ठीक है ठीक है, 16 कितने का? हाँ ठीक है, अच्छा बता देंगे, 16, ये तो हमको मालूम ही, ना पूछेंगे कितना का, सबका 0 ही आएगा। इसका 6 कितने का? ठीक है, ऐ यहाँ देखो कितने घर है जिनकी एक सतह नीले रंग से था, दूसरी सतह लाल रंग से रंगी भी है, आने रंगी भी, बिना रंगी भी हो सकती है, 24 के अलावा, तो पहले ही बताओ 2 सतह रंगीन कितना आया था इसमें, इसमें 2 सतह रंगीन और प्लस कॉर्नर वाला दोनों को जोड़ना था, तो जोड़ के 24 हुआ, इसमें 2 सतह वाला और 3 सतह वाला 48 आया था, तो अफसाने में नहीं है। अच्छा 48 आया था पूरे पे, तो इसमें नीला और दूसरा जो ये बोला तो 48 का आप किए तो कितना आया, हम ये पूछ रहे हैं, 24 आया, अब हमको बनाना पड़ेगा, रुक जाओ रुक जाओ, समझो बात को थोड़ा सा, पीडीएफ भी बुलाओ तो, कितना नंबर है, 49, 49, 4 × 16 तो 16 ना, तो 24 रट रहे, चले ठीक है, ये जो निकाले थे ये था 16 + 8, यही हम पूछ रहे थे, चले सुनने में आप लोग, आप इधर बोले उधर वो बोलता उधर वो बोलता, कोई कहता नहीं 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 डमरू बजा देता बीच में, हाँ क्लियर कर देंगे थोड़ा सा, मतलब पूरा हम ही तुम लोग को बना बना के खिलावे कोरे को, ले बो खा लो, अब इसको बताना ही पड़ेगा, रुक इसको रखिए पकड़िए, रुक जाओ, इसका आंसर मिला लिए, सबको लिख लिए हैं, इसका बता देंगे ठीक है, आंसर मिला लिए हैं,
एक बार फिर कोशिश करना, नहीं बनेगा कल बता देंगे। अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन जाने दीजिए, ये खाली 16-8 लिख लीजिएगा जिसका नहीं होगा। टोटल आया था 48, कैसे कैसे करके 4 × 16 बना। ये तो बताए थे 64। किसी मजदूर को एक बड़ा ठोसगन शर्त पे दिया जाता है कि उसको काटना है, अब यहां कह रहा है प्रत्येक कटाई पर 5 रुपया मिलता है, 45 रुपया, मतलब 45 है उसको 5 रुपया मिला, तो इसको डिवाइड करेंगे 9 × 5 = 45। 9 कटिंग का मतलब एक इधर, एक इधर, एक इधर, मत 3 कटिंग हो गया, ये तीसरा कटिंग हो गया और यहां कटिंग हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 4 और 4, 4 × 16 = 64 घन प्राप्त होगा। बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, बीपीएससी में पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, या नहीं तो पूछेगा 64 घनों को छोटे टुकड़े को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, कितने होंगे जो दिखाई नहीं देंगे, या कितने होंगे जिसके सफेद सतह वाले डाइस का बताइए। आप सोचिएगा जा सफेद तो बताबे नहीं क्या था, हरा रंग में डुबा दिया था, निकाल दिया था, सफेद कने से आ गया, तो वो रंगहीन का चर्चा कर रहा है। बात समझ में आ गया? आइए, कौन इसको किधर, कौन बोला ये? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले बताइए, आपको हम 5 रुपया देते हैं, एक बार कट मारिएगा ना इसलिए खचाक से, तो 5 रुपया देंगे, और आपको दिए हम 45 रुपया, तो क्या बार खचाक किए आप? 9 बार किए। अब देखो कद्दू तो है नहीं जो सीधा सीधा काट देंगे, तो काटेंगे हमको यहां से टुकड़ा निकालना है, टुकड़ा निकालना है हर जगह से, तो एक 3 कटिंग यहां मारेंगे, 3 कटिंग ऐसे मारेंगे और 3 कटिंग इधर से मारेंगे, तभी ना हमको टुकड़ा मिलेगा। तो 3 3 कटिंग मारे तो 1 2 3 4 टुकड़ा इधर से मिलेगा, 4 हमको 1 2 3 4 इधर और 4 इधर, तो टोटल टुकड़ा की संख्या 4 × 16 × 64 गुना कर देते हैं। जनरली पहला ऑप्शन रहता है 9, देखो पहला ऑप्शन क्या है 9, अब 9 आएगा ना, तो नहीं पहला ऑप्शन हमने दिए 9, हम अगर हम यहाँ सेटर रहते ना तो हम पहला ऑप्शन 10 देते, क्योंकि सबके दिमाग में 9 कट मारेंगे ना रे तो 10 ठू निकलेगा, कहे कि 8 कट पे 9 निकलेगा, तो तनी विद्वान होगा तो दिमाग यही लगाएगा वो, तो वहां फटाक से वही चीज कर देंगे तो फंस जाएगा वहां पे। तो कटिंग भैया हमको कट करके टुकड़ा निकालना है, तो जब तक हम इसको तीनों प्रकार से नहीं काटेंगे ऐसे ऐसे टुकड़ा मिलेगा ही नहीं। केक काटे हैं ऐसे तो आप लोग आधा आधी काट के खिला देते हैं, ज्यादा आदमी आता है तब तो काटना पड़ता है ना 20 से जी, ऐसे और कुछ है काटने वाले जो काटे होंगे इस टुकड़ा का? पिज्जा को तो 3 भाग 4 भाग कर, हाँ पनीर, पनीर पनीर अगर मोटका मिल जाता है, अब देखो यहाँ कंजूसी होता है उसमें देखते ज्यादा आदमी है तो छोटका छोटका टुकड़ा निकालते हैं, तब बीचे से निकाल के टुकड़ा घन टाइप से निकालते हैं ना, क्यूब टाइप से, बड़ा बढ़िया बात, प्रैक्टिकल चीज जल्दी समझ में आता है। अब आइए यहां बोला 9 सेंटीमीटर घन को 1.5 सेंटीमीटर काटने से पहले, अच्छा यहां ऑप्शन में, ऑप्शन पे देख लेंगे सही कर देंगे, वो हो जाएगा बाद में, पहले 9 सेंटीमीटर का घन को काट तो लो। ये 9 सेंटीमीटर अगर है और 1.5 में काटना है तो ये 3 3 और 3, हाँ इतने कट होगा तब ना, 9 सेंटीमीटर को 1.5 में काटना है, तो ये कटने का मतलब देखो हचाक से मारे हैं, रुक नहीं गए, हाँ ये ऐसे कटा, अब इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ठीक, इधर से भी 1 2 3 4 और 5, मेन तो हम यहां 1 2 3 4 5 यही मेरा एन है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 डब्बा,
तो छः इधर से, छः इधर से, छः इधर से, छः छके 36, छके 216, ये स्मार्ट बोर्ड का काम जो है ना बड़ा बढ़िया है। हाँ कहाँ बोले थे 216 करने, वही तो था, ठीक है। तो यहां से आपको टुकड़ा मिल गया 216, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे बढ़ते थोड़ा सा, यही कटिंग समझना होता है बस, और कोई खेला नहीं है इसमें। बढ़े आगे, आगे, पांच पांच बार, कितनी बार काटा गया। अब देखो, अब कोई कहेगा सर पांच 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 बार, तीन जगह काटा है ना जी, तो इन्हें पांच, इन्हें पांच, इन्हें पांच, तो सर इसमें तो कोई आंसर ही नहीं है। मतलब क्या, कितनी बार, तो पांच पांच बार का मतलब है जन्ने से काटा है पांच बार, ठीक। यह है कितनी बार काटा गया, तो पांच पांच बार। अब ये नहीं कहेगा पांच 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 बार, हाँ तीन बार पांच नहीं करना है, इसको याद रखना। अब वही क्वेश्चन, कितने प्रकार से, रुक जाओ हम पूछ लें, आप बताइए कितने प्रकार से, पक्का? क्यों, क्योंकि पनीर का टुकड़ा है, कद्दू थोड़े है। तीन प्रकार से, कितने प्रकार से काटा गया, तो तीन प्रकार से। क्लियर है, कोई दिक्कत? यह क्वेश्चन इसलिए दिया गया कि क्वेश्चन पूछेगा, संभावना है ऐसा ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछने का। चलिए, कहां पे नहीं समझ में आया, पांच पा, अरे पांच, 555 नहीं रे, 333 दे रहा है, कुछ हो लिख सकता है। हाँ अब समझ गया, तीन प्रकार से, ठीक है। हॉल नंबर 6 में क्या है? हॉल नंबर 6 में दुख का जो निवारण होता है। एक बार बताएं, ऑनलाइन वाला को देखते हैं बड़ा जल्दी समझ लेता है क्वेश्चन, क्योंकि जैसे उस पर नजर देंगे ना, तो उसके आलतू फालतू बात करने लगता है। नजर देंगे, आंसर मारे हुए, तब हॉल नंबर 6 में क्या है, सर आपकी शादी हो गई, सर आप कहाँ रहते हैं, मैडम का नंबर क्या है, मतलब क्या, समझ रहे हैं? और ये सब देखते हैं ना, तो हम खुशे होते हैं, हमको समझ में आ गया क्वेश्चन, में समझ गया, नहीं समझता ना तो लिखते रहता सर रिपीट, सर रिपीट, सर, क्योंकि वो लोग घर में ना बैठा हुआ है, और किसी किसी के ना घर में साउंड दे के पढ़ता है, तो माइयो बाप हंसता है घर में कि रे मास्टर, वो लोग सीख जाता है, जैसे घर में कोई रहता ना वो भी सीख जाता। कह रहा था एक दिन कि सर हम ऐसे सुनते हैं ना साउंड में लगा करके, मेरे घर में सब हंसता है सर। तो हम बोले हंसा तो क्या, मतलब पॉजिटिव कि निगेटिव? बोला सर हंसा हंसा उन लोग, अब प्रॉब्लम ये होता है ना, हम ही से क्वेश्चन पूछ देते हैं वो लोग आकर, डाइस में ये जो बोला था मास्टर बताओ आंसर, क्योंकि हम सीखे सीखे हमारा बापो सीख जाता है। मान लो बाप नहीं सीखेगा तब ना क्वेश्चन नहीं करेगा। अब हम ठीक है, क्या करिएगा, ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, पांच सत्ता, पांच सत्ता पर कोई रंग नहीं, मतलब एक सत्ता रंग पूछ रहा है, तो एन माइनस पांच में से एक गया, चार चौके 16, और 16 चौके 96, क्लियर हुआ? पांच सत्ता पूछ दिया, पांच सत्ता रंगहीन का मतलब है एक सत्ता रंगीन, बात समझे कि नहीं? बहुत आदमी कहता है क्वेश्चन में एरर है भैया, छोड़ छोड़ गलती पूछ दिया, इतना सर थोड़े बोले थे रंगीन होता है। हाँ कैसे पता चला? एक सत्ता रंगीन का आपको आता है क्या होता है, एन माइनस वन का स्क्वायर इंटू 6, एगो डाइस में क्या गो सत्ता, 6 सत्ता, मान लो पांच सत्ता पे रंगीन नहीं है, तो एक सत्ता ना रंगीन, तो एक सत्ता के बारे में पूछ रहा है, ये बकलोल बना रहा है। अब जो अभी आप पढ़ रहे थे, जो आपको आने के साथ बताए थे कि देख लो यहां वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा कि एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, 6, 4 और 1 सेंटीमीटर है, 6, 4, 1 का मतलब है 6 चौके 24,
टोटल 24 टुकड़ा मिलेगा। बस समझ आया कि नहीं? टोटल टुकड़ा कितना मिलेगा? 24 को गुना करते हैं। अब दे दिया दोनों का जिसका आयाम 4 1 है 6 1 है और इतना। अब बोल रहा है इसको 1 सेंटीमीटर के बराबर घर में काटा जाएगा, 4 बराबर हिस्सों में जो भी है। 6 सेंटीमीटर वाला है लिखा है ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर के 6 बराबर हिस्से में, 6 सेंटीमीटर डाइस से और 1 सेंटीमीटर 4। इतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, यहाँ पे आपको बना के रख दिए हैं। काला काल लिख दिया है, लाल हरा को हरने ने लिखा है। चलो आप समझ जाइएगा ना, ठीक है। अब देखो, अब इतना समझो, तो सही नहीं करेंगे आप लोग, समझिए गए। हाँ, अब हरा हरा इधर, अच्छा लाल लाल इधर और काला काला इधर। आपको पहले क्वेश्चन में 1 1 सेंटीमीटर में काटा था, तो इधर 6 है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 को टुकड़ा, ये आपको 4 का है तो 1 2 3 4 का टुकड़ा और ये कितना है? 1 है तो 1 1 के टुकड़ा मिलेगा। बात समझ में आया? अच्छा, अब अगर पूछा इसमें कॉर्नर पर कितना मिलेगा, 3 सतरंगी। अब देखो इसका 1 2 3 और 4 रंगीन होगा ना, क्योंकि 2 लेयर तो है नहीं, 3 लेयर होता तब हम लोग 3 सतरंगीन बोलते हैं। तो मान लो इसमें फिर भी अगर पूछ दे कि 3 सतह पे रंगीन कौन होगा, तो होता तो कॉर्नरे है, तो 1 2 और 3, इसका 1 2 और 3, 1 2 और 3। देख रहे कि नहीं देख रहे? बस इस चीज को ध्यान में रख के आपको बनाना है। यहां देखो गौर से, अगर 3 सतह पूछ दिया तो यहां भी देख लो 1 2, इसमें 3 रंग होगा कि नहीं होगा? यहां तो 4 गो हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, इस हिसाब से आपको बनाना है। यहां बोल दिया ऐसे कितने घन है जिसमें काला हरा लाल तीनों रंग कम से कम प्रत्येक साइड पर हो। तीनों रंग बोला है, ध्यान देना थोड़ा सा, तीनों रंग बोला है तो इस पे नहीं आना। अब ध्यान से देखना तीनों रंग कहां, इस पे तो होबे करेगा, हरा है लाल है और काला है, यहां तो होबे करेगा। यहां पे कौन है? हरा, यहां लाल, ये तो हरे रह जाएगा, ये तो हरे रह जाएगा ना, तो तीनों रंग चाहिए था ना, तो तीनों वाला तो यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा, यहीं पे और यहीं पे आएगा। पहले बात समझे, कितना आएगा? 4, क्योंकि दिमाग में आपको आता कि सर 3 सतह तो इसका भी रंगीन है, ये इतना, एक ये एक ये एक ये, लेकिन हमको कहा अलग अलग रंग से, तो अलग अलग रंग से तो कॉर्नर पे आने वाला है, तो कितना है कॉर्नर? 4 है। बना लीजिएगा अब, तो बता दिए तो बनाइए ना लीजिएगा, ये भी बड़ा समस्या है। हम तो सोचे थे कल नया चैप्टर शुरू करने का, लेकिन ये बना लीजिएगा तब हम आंसर बोलेगा तो कल मिला देंगे। कुल कितने घन प्राप्त होंगे? 6 चौके 24 एक होगा। कुल कितने घन प्राप्त होंगे? 24 गो। एक क्वेश्चन में है इधर, यदि ऐसे घन जिसमें काला और हरा को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रहेंगे? काला और हरा को हटा दिया जाए, काला को भी हटा दो हरा को भी हटा दो, देखो जरा सा, काला इधर वाला हट गया, इधर वाला हट गया, हरा इधर हट गया, जब हरा हट जाएगा तो कुछ बचेगा? नहीं बचेगा, वो हरा नहीं, वहां पे लाल कर लीजिए, काला और लाल को हटा दिया जाए, वहां मिला लीजिए ठीक से, काला और लाल को हटा दिया जाए। अब देखो लाल और काला को हटा देगा तो भी मेरे पास इतना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बचेगा। बस समझे, क्वेश्चन में ठीक कर लीजिएगा, काला और लाल, काला और हरा नहीं लाल, क्योंकि हरा हटा देगा तो बचबे नहीं करेगा, सब में तो हरा है ही, क्योंकि कटिंग तो एक के लेयर किया है ना, हरा तो पूरे पे आ जाएगा। सही कर लिए? कितना मिला था? 8 मिला था। चलिए क्वेश्चन अगला, ऐसे कितने घन होंगे जिसमें 4 रंगीन और 2 बिना रंग के होंगे? 4 गो रंगीन होगा और 2 बिना रंग का, तो कॉर्नर पे ना 4 गो रंगीन था, इसका मतलब क्या गो आएगा?
चार को आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। वही चीज है, चार दो छ, छ चौके चौबीस, नहीं नहीं देख लो यहां अभी किया ना, छ चौके चौबीस दुनी 48, टोटल कितना मिलेगा? टोटल वाला क्वेश्चन नहीं है, एक तो बता दिए, बात समझे कि नहीं? छ गुना चार, छ चौके चौबीस और दुनी 48। आइए, कितने घन होंगे जिनकी तीन सतह रंगी हुई और तीनों सतह बगैर रंगी हुई? मतलब तीन सतह रंगी हुई तो देखो जरा सा, इसका तीनों रंगल होगा, इसका भी तीनों रंगल होगा, तो मतलब यहां एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये क्लियर है आठ, क्योंकि दो लेयर है इसलिए आठ, वो सिंगल लेयर था इसलिए चार था, ठीक है। कितने घर केवल सतह केवल सतह क्या क्या बोलेंगे, कितने घर तीनों रंग लगे हुए हैं? तीनों रंग लगा हुआ किसमें? आठ गो में, क्योंकि दो लेयर है इसमें दिमाग नहीं लगाना, दो लेयर में आठ होवे करेगा, सिंगल लेयर रहता तब चार देते। जिनकी दो सतह काला रंग से लगा हुआ है, दो सतह काला रंग से, एक भी नहीं सही बोले, क्या दो सतह काला है ही नहीं, काला वाला जो है यहां पे है तो दो सतह तो होवे नहीं करेगा, एक भी नहीं, बाद बाकी जो बस गया बना लीजिएगा। अच्छा ये बताओ, आप इसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन खत्म है, जो टेस्ट में हम क्वेश्चन लेंगे तो एक बार बता दे, टेस्ट में क्वेश्चन नहीं भी बनेगा आपसे तो परेशान नहीं होएगा, क्या कि इससे भी यूनिक क्वेश्चन जो आप लोग भेजे हैं उसमें जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो सब डालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन का आंसर कर दो, बोलते हैं ना यहाँ जमा मत रखिए वहां दीजिए, नहीं ले आएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए लिखा है, एक क्वेश्चन लिख लो डाइस का, एक पासे का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि दो के, लिखो क्वेश्चन, एक पासा का निर्माण इस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार किया जाता है दो के आसन, मतलब निकटवर्ती, दो के आसन एक तीन चार है, आप ही लोग इसको भेजा। अब बोला निम्न कथनों में कौन सही है, नीचे है निम्न में सही कथन चुने, पांच दो के आसन होगा, दूसरा है छह दो के आसन होगा, तीसरा है तीन चार के आसन होगा, और चौथा है पांच छह के आसन होगा। बना लीजिएगा, आसन का मतलब समझ गए ना? ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाना, बोला दो के आसन एक तीन चार है, दो के आसन में एक है तीन है और चार है, कहीं लिख सकते थे ना, तीन इधर चार इधर, कहीं भी कुछ भी लिख सकते थे, इसका मतलब है कि यहाँ पे पांच या छह, पांच या छह यहाँ, चाहे पांच या छह यहाँ, ठीक है। बोला पांच दो के आसन होगा, मतलब पांच जो है वो दो का आसन होगा, तो ये तो विपरीत भी ना हो सकता है, तो ये निश्चित रूप से सत्य नहीं है। बात समझ में आया?
पांच दो के आसन है तो पांच तो दो का विपरीत भी जा सकता है, खत्म। अगला है छ दो के आसन होगा तो छ जो है दो का विपरीत भी जा सकता है, ये भी नहीं होगा। तीन चार के आसन होगा तो तीन चार का आसन या विपरीत यहां नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे, इसका मतलब ये भी गलत होगा। पांच छ के आसन होगा, पांच छ हमेशा निकट में ही रहेगा, विपरीत नहीं होगा। बता दिए, समझा दिए, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन दे दे आपको, तब बना के लाने। दूसरा लिखो है, रुको न, कहा जाएगा अभी। पक्का? चलिए, हमको आप इसमें से विपरीत बता दीजिए खाली, इसमें से विपरीत। हो गया, देखो टाइम ज्यादा हो गया, इसको बना के लाना था। पहले याद रखना, वाई का निकटवर्ती पकड़ो, वाई से सटा हुआ जी बी ओ और डब्लू है ना, वाई से हो गया जी बी ओ और डब्लू। इस प्रकार से आप पकड़ के कल बताइएगा आंसर, क्योंकि अब टाइम आपका बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्लॉक पढ़ना है, इनइक्वलिटी पढ़, ब्लड रिलेशन में क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्लॉक है, चलो माते जी आप पूछे। नया चैप्टर में अति मत करना, एब्सेंट मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा।